इस वीडियो में हम स्प्रिंग क्लास 4 के लेसन 4 हियर एंड देयर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल नीता वाज, नीता एक किस तरह की लड़की थी। आंसर में आप लिखेंगे अ केयरलेस गर्ल, एक लापरवाह लड़की। हाउ डिड नीता कीप हर थिंग्स इन द बिगनिंग, शुरुआत में नीता अपनी चीज़ों को कैसे रखती थी। आंसर में आप लिखेंगे इन डिसऑर्डरली मैनर, एक अव्यवस्थित तरीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नीता सर्चिंग फॉर, नीता क्या खोज रही थी। अ स्टोरी बुक, एक कहानियों की किताब खोज रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड माला फाइंड हर बुक, माला को अपनी किताब कहाँ पर मिली। आंसर में आप लिखेंगे इन द कपबोर्ड, अलमारी में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is it necessary to keep our things in their proper places? अपनी चीज़ों को हमें सही स्थान पर रखना क्यों जरूरी है, क्यों रखना चाहिए, क्यों जरूरी है। तो आंसर में आप लिखेंगे to save our time and avoid difficulties, हमारा समय बचाने के लिए और कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। वर्ल्ड पावर में देखिए एक क्वेश्चन है, द वर्ड इन द टॉपी इज डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड बिलो। यहाँ पर आपको कुछ टॉपी के चित्र दिए गए हैं, तो उसमें कुछ शब्दों को डिस्क्राइब किया गया है, तो कहानी के आधार पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है, जो खाली जगह दी गई है उसको भरना है। जैसे केयरलेस, लापरवाह, लड़की के बारे में बात हो रही है, ब्लू क्या था, ब्लू बैग था, बैग था, नीला बैग था, काला क्या था, ब्लैक शूज थे, काले जूते थे, वरीड कौन थी, उसकी माँ थी, वरीड उसकी मदर थी, चिंतित उसकी माँ थी। नेक्स्ट इसी तरह से इसमें देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए यहाँ कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में आपसे पूछा गया है, जिनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये एडजेक्टिव्स यानी विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हाईलाइट वर्ड्स किए हैं ये सभी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं और ये एडजेक्टिव्स हैं। जैसे माई रेड फ्रॉक इज़ देयर, मेरा लाल फ्रॉक वहाँ है, तो यहाँ फ्रॉक कैसा है, लाल है। योर येलो बॉक्स इज देयर, आपका पीला बॉक्स वहाँ है। अ फैट मैन इज देयर, एक मोटा आदमी वहाँ है। अ थिन मैन इज देयर, एक पतला आदमी वहाँ है। माई ब्लैक गोट इज हेयर, मेरी काली बकरी यहाँ है। योर वाइट ऑक्स इज देयर, आपका सफ़ेद बैल वहाँ है। तो ये जो इसमें हमने हाईलाइट वर्ड्स किए हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, हेयर एंड देयर का यूज़ करके आपको खाली जगह को भरना है। हेयर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहाँ। कैन यू गो देयर, क्या आप वहाँ जा सकते हैं। कैन यू कम हेयर, क्या आप यहाँ आ सकते हैं। आई विश ही वुड बी हेयर विद मी, काश वह मेरे साथ यहाँ पर होता। आई वुड लाइक टू बी देयर विद यू, मैं वहाँ पर आपके साथ रहना पसंद करूँगा। तो यहाँ देयर, देयर मतलब वहाँ, हेयर मतलब यहाँ, हेयर का मतलब यहाँ, इस तरह से आप इन्हें भर लेंगे। तो ये हमारा स्प्रिंग क्लास 4 के लेसन 4 हेयर एंड देयर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन।